एससी एसटी ओबीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने शिक्षा विभाग में पीटीए पैरा पैट और एसएमसी भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर न लगाए जाने एससी एसटी ओबीसी को उनका बैकलॉग न दिए जाने पर विरोध जताया है। एससी एसटी ओबीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का कहना है कि शिक्षा विभाग में काफी वर्षों से खाली पड़े पदों को बैचवाइज आधार पर भरा जाए और इसके लिए हिमाचल बेरोजगार संघ एससी एसटी ओबीसी प्रशिक्षित बेरोजगार और अन्य संगठन सरकार से बार बार मांग कर चुके हैं, परंतु कांग्रेस सरकार के समय से चली आ रही प्रक्रिया को आगे न बढ़ाते हुए यह सब नियुक्तियां पीटीए पैरा पैट और एसएमसी आधार पर करती आ रही है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार के द्वारा पीटीए पैरा पैट और एसएमसी आधार पर बैकडोर एंट्रिया की गई है, उसमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं की गई है और पिछले काफी वर्षों से एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से बैचवाइज आधार पर एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग को भरे जाने की मांग की। वहीं संगठन ने सरकार द्वारा मांगे पूरी न किए जाने की सूरत में लोकसभा चुनावों का बहिष्कार किए जाने की बात कही। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हुए उनके संगठन की मांगों को पूरा करेगी। आज हमने मंडी जिला से एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग के रिगार्डिंग हमने और हमारे पूरे संगठन ने मिलकर डीडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने ये डिमांड रखी है कि सरकार ने पीटीए पैरा एसएमसी के तहत जो बैकडोर एंट्रीज की है, एक तो उसमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं हुई है और दूसरा जो हमारा बैकलॉग जो इतने सालों से पेंडिंग चला रहा है, सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमने कांग्रेस के टाइम में भी सरकार से ये दरखास्त की थी और इस सरकार के टाइम में भी हम बार बार अपना ज्ञापन सरकार को सौंप चुके हैं, लेकिन हर बार ही हमें मुंह की खानी पड़ रही है। सरकार हमारी मांगों को लेकर हमें एक झूठा आश्वासन ही दे रही है और इसके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा करे, नहीं तो हम 2019 के लोकसभा चुनावों में इनका पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। बैकलॉग के थ्रू जितनी भी हमारी जो पोस्टें बनती है एससी एसटी ओबीसी बल की, वो जल्दी से जल्दी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे और उनको जो भी अभी जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट हो रही है उसी के साथ उनको मर्ज करके हमारा बैकलॉग हमारे को दिया जाए। तो अगर सरकार हमारे इस एक्शन पे कार्रवाई करती है तो हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं और एससी एसटी ओबीसी वर्ग ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं और उनको सम्मानित भी करेंगे।